नो बेटा, स्मॉल साइज था, पोलराइजेशन पावर था आपका, कोवेलेंट नेचर था आपका, फिर आपका आयनाइजेशन एनर्जी था, फिर आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल था। ये आपका आई थिंक 4 5 नेक्स्ट आपका था आई थिंक मेटेलिक बॉन्डिंग था। ये आपके 4 5 पॉइंट्स थे जो आपको मैंने याद करने के लिए बोला था। ये रीजन होता है, दैट इज वाई लिथियम आपका एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। समझ में आया? इस रीजन की वजह से लिथियम आपका एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है? हमने देखा था लिथियम की अलग टेबल बना था, और इसके बाद अदर एल्कली मेटल्स के लिए अलग बनाया था मैंने। लिथियम के साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, और RHS साइड में आपका अदर एल्कली मेटल्स को लिखा था, तो वो आपका अच्छे से बनाया था मैंने, उसको एक बार रीड कर लेना है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो बताओ मुझे। लिथियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सिर्फ आपका Li2O बनाता है। ये आपका Na2O2 परऑक्साइड बनाता है, KO2 आपका सुपर ऑक्साइड बनाता है। लिथियम आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन थे। लिथियम आपका वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके LiOH बनाता है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता। ओके तो इस तरीके से रिएक्शन थी। एंड देन उसके बाद हमने वो डिस्कस किया था द डायग्रन रिलेशनशिप विद Mg, डायग्रन रिलेशन विद Mg, Mg के साथ आपका डायग्रन रिलेशनशिप डिस्कस किया था हमने। उसमें कौन कौन से रीजन थे? फर्स्ट रीजन था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। सेकंड रीजन था एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, या बोल सकता हूँ एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं। सेकंड एटॉमिक वॉल्यूम भी सिमिलर रहता है। थर्ड आपका, फोर्थ आपका पॉइंट था पोलराइजिंग पावर दोनों की हाई होती है। तो ये फोर रीजन थे फॉर सिमिलरिटीज ऑफ Mg एंड लिथियम, लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलरिटीज के लिए ये फोर रीजन थे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे सोडियम एंड कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम, सोडियम क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम अक्रेंस, अक्रेंस ऑफ सोडियम, सोडियम किस फॉर्म में हमको मिलता है? एनी आइडिया? सॉलिड सॉलिड फॉर्म में? तो ठीक है बेटा, मेरे मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी के साथ मिलता है या अकेला मिलता है, इस तरीके से मींस ओर में मिलता है, मिनरल फॉर्म में किस तरीके से मिलता है। अक्रेंस अगर मैं देखूं तो दैट फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट क्यों? बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आता है ये, दैट इज वाई ये कंबाइंड स्टेट में। फ्रीली आपको कभी नहीं मिलने वाला सोडियम, हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। तो कौन कौन से वो ओर हैं जो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलने वाले हैं? नंबर वन ओर है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। नंबर सेकंड जो ओर है आपका सोडियम नाइट्रेट, फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नंबर थर्ड है सोडियम सल्फेट, NH2SO4। यस वेरी गुड बेटा, Na2SO4.10H2O। बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। देखो इनके नाम भी होते हैं जो आपको याद करना है, नेम लाइक NaCl का तो सोडियम क्लोराइड ही बोल सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं NaNO3, इसको बोलते हैं चिले सॉल्ट पीटर,
इसका नेम होता है आपका सोडियम सल्फेट का नाम होता है। टेस्ट में शायद बताया था मैंने, नहीं बताया? ये टेस्ट में दिया था मैंने आई थिंक, नहीं दिया होगा आई थिंक, 12th वालों को दिया होगा। ओके टिनकेल, ये आपके एग्जाम में नेम आते बेटा। एग्जाम में कंपाउंड में क्वेश्चन ऐसे आएगा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ग्लोबल सॉल्ट, ये आपका ग्लोबल सॉल्ट है, जी एल ए यू बी ई आर, ग्लोबल सॉल्ट। ओके इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, समझ में आया ना? ये आपका एग्जाम में आता है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये दोनों आपके एग्जाम में आते हैं, थर्ड भी आ जाता कभी कभी। इस फॉर्म में आपको सोडियम मिलता है, ये सोडियम के ओर हैं, सोडियम के और भी फॉर्म होते हैं, आप जो भी कंपाउंड आपको मिल जाएगा उससे हम सोडियम निकाल सकते, उसमें सोडियम की मात्रा या सोडियम रहता है उसमें। बेसिकली हम इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हो जिसमें Na लिखा होगा उसमें सोडियम अवेलेबल है, समझ में आया? बट सोडियम अवेलेबल तो होगा उसमें, बट क्या उस कंपाउंड से हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? जिस कंपाउंड से हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसको बोलते हैं ओर, जिससे हम सोडियम या एनी मेटल, कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसको बोलते हैं ओर, जिससे नहीं कर पाते उसको बोलते हैं मिनरल्स। ओर और मिनरल्स में यहाँ पर डेफिनेशन समझ लो, एक होता है आपका ओर, एक होता है आपका मिनरल, समझ में आए ना? तो सभी ओर आपके ओर आर मिनरल्स, बट हाँ, एनी डाउट बेटा किसी को? नो सर। ये दो चीजें हैं अलग अलग, देखो, और वो चीज होती है, सपोज पहले समझो मिनरल्स, जो आपके अर्थ में जो भी चीज मिलती है वो उसको हम बोलेंगे मिनरल, समझ गए? अर्थ में आपके जो भी चीज मिलती है ब्लो द अर्थ, उसको हम बोलेंगे मिनरल। उस मिनरल से अगर कोई मेटल हम निकाल पाते हैं, लेट्स से मेरे को मिला एक कंपाउंड, मिला बहुत सारा बड़ा कंपाउंड मिला, Na6P6O18, ये कंपाउंड मिला मेरे को, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है? कैल्गन। कैल्गन, वेरी गुड। ये कंपाउंड मिला मेरे को, अब इस कंपाउंड से इसको हम बोल देंगे मिनरल, तो बोल सकते ना हम लोग, बिकॉज जो भी अर्थ से मिलता है वो आपका मिनरल्स है। बट इस सिस्टम से जो आपका एक एलिमेंट कंपाउंड है, इससे आप सोडियम आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सोडियम आप निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो सोडियम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसा या इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लगेगा आपका, पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है, दैट इज़ वाई हम लोग ये सोडियम नहीं निकालते हैं। तो जिस ओर से हम सोडियम निकाल सकते हैं, लेट्स से NaCl से निकाल सकते हैं, तो NaCl आपका ओर हो गया, NaNO3 से निकाल सकते हैं तो इसको ओर बोलेंगे। लेट्स से एक दूसरा कंपाउंड है आपका, लेट्स से मैंने बोला Na4, अच्छा हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है B4O7, इस कंपाउंड से हम Na निकाल सकते हैं, तो ये कंपाउंड आपको क्या हो गया? और हो गया। बट मिनरल्स तो ये है ही ना, जो भी कंपाउंड है वो सारे मिनरल्स हैं, अगर उनसे हम लोग सोडियम या कोई भी मेटल निकाल सकते हैं तो उसको और बोलेंगे, नहीं निकाल पाते तो मिनरल तो है ही, समझ गए ना बेसिक डेफिनेशन? ये आपके बोर्ड्स में आती है बेटा, और मिनरल्स को डिफाइन करने के लिए। ओके तो कैसे निकालते हैं, निकालने का प्रोसेस देखो, एक्सट्रैक्शन मेथड, नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन, एनी आइडिया बेटा किस तरीके से निकालते हैं? सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं मेथड आपको लिखा चुका हूँ, अच्छा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं लिखा चुका हूँ, एनी आइडिया बेटा? सर वो अमोनियेटेड, अरे बेटा उससे नहीं, एक और लिखाया था, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ PDF जिससे आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा।
ये लिखा है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एवरीवन दिख रहा है ना? यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम लोग नहीं निकाल सकते इसको। नेक्स्ट आपका रिडक्शन प्रोसेस से नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इस प्रोसेस से भी नहीं निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी नहीं निकाल सकते आप। निकालने वाला प्रोसेस कौन सा था? ये जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, समझे ना? कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा तब आपका निकल पाएगा। तो बेसिकली हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ओके? तो इस एक्सट्रैक्शन मेथड को निकालने के लिए टू प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट वन द नेम ऑफ द प्रोसेस इज कास्टनर प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस का नेम है आपका CASTNER, कास्टनर प्रोसेस। बेसिकली इस प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड किसका? NaOH का। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaOH, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। समझ में आया? सेकंड प्रोसेस है आपका डाउन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। नाउ इसको ध्यान दो बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड को एक बार रीड करो, मैंने क्या बोला था। एवरीवन रीड द पॉइंट, क्या बोला था? ओनली सक्सेसफुल मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट। क्या बेटा? फ्यूज्ड सॉल्ट का या क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एंड साथ में क्या है, एनदर मेटल क्लोराइड इज एडेड टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर। एनदर मेटल क्लोराइड, यहाँ पर एक और मेटल क्लोराइड ऐड करते हैं। तो मेटल क्लोराइड यहाँ पर क्या होता है बेटा इस प्रोसेस में? वी हैव टू ऐड मेटल क्लोराइड, लाइक यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा प्लस में CaCl2 एंड ये आपके मेटल क्लोराइड हैं, आपको या मेटल हैलाइड ऐड करना पड़ेगा। इसका काम क्या होगा बेटा? लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, लोअर द टेम्परेचर। यस, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। कितना लोअर करता है उसका वैल्यू भी लिख लो, आपको जरूरत नहीं, कभी आएगा नहीं, बट 800 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस तक लोअर कर देता है। समझ में आया बेटा दोनों प्रोसेस? कास्टनर प्रोसेस में आप NaOH का क्या करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यहाँ पर आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। क्लियर है? आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना जानो कि NaOH से हम इलेक्ट्रोलिसिस करके हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटा? सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रोलिसिस तो जानते हो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर बता देता हूँ। NaOH होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा बेटा आपका? Na पॉजिटिव, यहाँ पर इससे Na मिल जाएगा और इससे आपको क्या मिलेगा? H2O एंड O2 मिल जाएगा आपका। आपका Na मिल गया ना यहाँ पर, बस ये आपका कास्टनर प्रोसेस हो गया। सेम यहाँ पर डाउन प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर Na मिल जाएगा और Cl मिल जाएगा। तो यहाँ से Na पॉजिटिव से आप Na निकाल लिया, Cl से आप Cl2 गैस निकल जाएगा आपका बाहर। तो वो डिटेल्स आपकी इनबिल्ट है, आपको आना चाहिए, लिखाने की जरूरत नहीं है, आपका नोट्स भर जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आता ना, ये प्रोसेस एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, कभी एग्जाम में आए तो निकाल सकते हो ना कि एनोड पर क्या Na आएगा, कैथोड पर Cl आएगा, क्या आने वाला है। जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो किस पे जाता है? कैथोड पर। जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किस पे जाता है? एनोड पर। ये चीज याद रखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर बन रहा है। क्लियर है ना? बिकॉज सारा चीज नहीं लिख सकते आप लोग, क्योंकि आपका नोट इतना बड़ा हो जाएगा, आपको खुद को प्रॉब्लम होगा कि आप कितना बड़ा नोट हो गया, आप नहीं पढ़ना मुझे।
नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज, सोडियम आपका क्रिस्टलाइन होता बेटा। अरे क्रिस्टलाइन एमोरफस सॉलिड स्टेट पढ़ा था, याद करो क्रिस्टलाइन होता है, सॉफ्ट मेटल होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड सॉफ्ट मेटल। सेकेंड वन हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसको हम कहाँ पर रखते हैं, केरोसिन में। वेरी गुड, केरोसिन। थर्ड वन, ये पॉइंट बताओ, डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव क्या देता है, कौन सा कलर, ब्लू कलर। वेरी गुड, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है, समझ में आया, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर मैं देखूं, ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है बोलो, ये रिएक्शन ऑलरेडी लिखा चुका हूं मैं प्रॉपर्टीज में, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, Na+O2। हाँ, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है आपका, N2O तो बनेगा। इधर पर लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेस्चर लॉस हो जाता है आपका, लेस्चर जानते हो, लेस्चर जानते हो ना, यस सर। क्या होता है, शाइननेस, शाइनिंग, जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो खत्म हो जाती है, मींस उसके ऊपर एक डल लेयर, सोडियम आपका, अगर मैंने जिस तरीके से मैंने इरेजर का एग्जांपल दिया था, जब आप खरीद के लाते हो तब आपका बहुत शाइनिंग टाइप एकदम वाइट कलर का होता है इरेजर, कुछ दिन बाद वो आपका डल हो जाता है, सिमिलर लाइक दैट आपका सोडियम होता है, अगर सोडियम को आप खुला छोड़ दोगे तो आपका डल हो जाएगा, वो एयर से रिएक्शन करके, एयर से रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाता है वो यहाँ पर देखो, जब आपका Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कंपाउंड फॉर्म Na2O, ये कंपाउंड फॉर्म होता है। यू ऑल्सो नो दैट, आपने बोला मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब वाटर भी होगा यहाँ पर, वाटर भी होगा, वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्म होगा आपका NaOH। अभी मॉइस्ट एयर में आपका CO2 की प्रेजेंस भी होती है, यू शुड ऑल्सो नो दैट कि यहाँ पर CO2 की प्रेजेंस भी होना चाहिए, तो यहाँ पर CO2 से रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म होने वाला है आपका Na2CO3 प्लस आपका 2H2O। ओके, सो टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, इस कंपाउंड का नेम सोडियम कार्बोनेट, इस कंपाउंड का नेम सोडियम ऑक्साइड। यस, ओके, समझ में आया, यहाँ पर अगर किस तरीके से बैलेंस कर दूं मैं रिएक्शन को, आई थिंक कर देता हूँ, तो यहाँ पर 4Na हो जाएगा, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 2 वाटर आएगा, तो यहाँ पर 2NaOH आ जाएगा आपका, देन 2CO2 से रिएक्शन, Na2CO3, हाँ ओके बैलेंस हो गया है। तो मॉइस्ट एयर, कभी भी मॉइस्ट एयर आए तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, Na2CO3। अगर सिंपल एयर आ जाए आपका, सिंपल एयर आता है तो आपको यहीं तक रुक जाना है, अगर एक्सेस ऑफ एयर होता है तब क्या करना बेटा, इसको
परोक्साइड तक लेके जाना है। सारा पॉइंट क्लियर ना? अगर एक्सेस ऑफ एयर होता है तो परोक्साइड लेके जाओ, नॉर्मल एयर है तो आपको सिर्फ ऑक्साइड तक लेके जाना है, अगर मॉइस्ट एयर है तो आपको कार्बोनेट तक लेके जाना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अगर इसको हीट करते हैं हम लोग सिंपली, जो आपका एग्जाम्पल देने वाला था मैं, लाइक यहाँ पर लिखो या तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा O2 के साथ रिएक्शन करके Na2O2, इसका मतलब समझे आप, अगर हीट कर देंगे बेटा, व्हेन हीटेड इन एयर, एयर में हीट करेंगे तो ये कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एक्शन हो गया, सेकंड है वाटर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर, क्या कंपाउंड फॉर्म होता है? हो चुकी है बेटा ये रिएक्शन सारी, बोलो क्या कंपाउंड फॉर्म होने वाला है यहाँ पर? NaOH। वेरी गुड, और साथ में क्या भूल गए क्या? हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मेथड था, हाईली रिएक्टिव मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका H2 गैस बनता है, याद आया? याद आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर H2 गैस भी बनता है, उसको ध्यान रखना। ओके, सुनाओ, इन केस थर्ड है आपका रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया, क्या बनता कंपाउंड? कुछ भी लिखा आ सकता है, क्या कंपाउंड बनेगा फिर टेल मी? ये नहीं बता पाए तो मार खाओगे आप लोग, क्या कंपाउंड बनेगा? सोडियम आपका NH3 से रिएक्शन करता है, क्या कंपाउंड बनता है? सोडा एमाइड बनता है ना? ऑल ऑफ यू रिमेम्बर नॉट, याद है नहीं है? अगर सोडियम का आपका लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन होती है, डेड फॉर्म आपका Na NH3 प्लस इस तरीके से होता है आपका। एक्स एंड वाई क्या है आपके? दोनों याद करो। फोर्थ वन रिएक्शन विद HCl, क्या कंपाउंड बनने वाला है? NaCl, सिंपल NaCl प्लस H2 गैस। अगर फिफ्थ रिएक्शन में लिख दूं आपका
reaction as a reducing agent. Reducing action. बताया था ना जो आप इनका reducing nature होता है ना, sodium का सबसे ज्यादा किसका होता है, lithium का होता है ना, sodium का भी सबसे कम होता है, but होता है ना reducing nature. Reducing nature का मतलब है ये reduce कर देगा with sodium से कम reactive जो metal होगी उसको reduce कर देगा ये. Basically क्या हो जाएगा, अगर आपके पास sodium है और वो reaction कर रहा है like BeCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसको रिड्यूस कर देगा और आपका NaCl कंपाउंड बन जाएगा प्लस Be आपका रिड्यूस हो गया. रिड्यूस क्यों हो गया, इन द सेंस यहां पर Be की प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप लोग देख लो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा रिडक्शन. सिमिलरली अगर मैं सोडियम ले लिया प्लस यहां पर Al2O3 हो रहा है यहां पर, इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहां पर Na2 बन जाएगा प्लस आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस 3 आएगा एंड यहाँ पर एल्यूमिनियम 0 आएगा, तो रिड्यूसिंग नेचर आप देख सकते हो. नेक्स्ट वन आपका सोडियम जो रिएक्शन करता है आपका CO2 के साथ, देन इट फॉर्म Na2CO3 प्लस आपका कार्बन, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो यहाँ पर प्लस 4 आ रहा है एंड यहाँ पर 0 आ रहा है, सब जगह रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सोडियम का रिड्यूसिंग नेचर है ना. आप इसको बैलेंस कर सकते हो, अगर आपको बैलेंस करना है तो ये आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, आई थिंक बैलेंस है. ओके सो ये चीज हो गया. नेक्स्ट आपका है यूजेस. नंबर वन यूज, सोडियम का यूज कहीं पर देखा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बताओ, इसका नाम बताओ, कल टेस्ट में डिस्कस किया. सोडियम, सोडियम एमलगम. ओके ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. ओके सेकंड वन सोडियम वेपर लैंप. सोडियम वेपर लैंप क्या होता है बेटा, सोडियम वेपर लैंप मतलब होता है एक मोनोक्रोमेटिक कलर की लैंप होती है, जिसमें आपका मोनोक्रोमेटिक लैंप क्या होती है, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल कलर होता है, और सोडियम का कलर तो आप जानते हो येलो होता है, तो यहाँ पर येलो लाइट निकलती है. मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ निकलती है आपकी. ओके जबकि फिक्स वेवलेंथ रहती है ना वो निकलती है ना. थर्ड वन द नेम ऑफ थर्ड कंपाउंड दैट इज लिक्विड कूलेंट. एज अ लिक्विड कूलेंट यूज करते हैं हम लोग इन न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके ये बात याद रखो, ये थ्री जो यूजेस लिखे हुए हैं जरूरी नहीं है कि कहीं पर यही यूजेस आ जाएं, आपको बहुत सारे यूज होंगे. एनसीईआरटी पढ़ लो आप या आप ओपी टंडन पढ़ लो, वहां पर आपको यूज मिल जाएंगे, या जो भी कोई बुक पढ़ते हैं वो पढ़ लो, आपको वहां से आपको यूजेस पढ़ना ही पढ़ना है. मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पर ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. ओके नाउ सोडियम हो चुका, नाउ टेल मी द नेम ऑफ कंपाउंड ऑफ सोडियम. सोडियम के कंपाउंड के नेम या कौन कौन से सोडियम के कंपाउंड है जो आप नॉर्मल लाइफ में अभी तक 11th या 12th स्टार्टिंग तक आप लोग सुन चुके हो नाम. तो फर्स्ट हेडिंग कंपाउंड ऑफ सोडियम, कौन कौन से कंपाउंड है बेटा, बोलो
इनिशियल कौन कौन से कंपाउंड एनएसीएल एनएसीएल ओके एनएसीएल हो गया नेक्स्ट बोलते जाओ बेटा Na2O2 सोडियम परऑक्साइड हो चुका है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्साइड ऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं नंबर वन Na2O ऑक्साइड है ना नंबर सेकंड Na2O2 परऑक्साइड नंबर थर्ड NaOH फिर आपका NaCl है ना नेक्स्ट कंपाउंड का नेम क्या है Na2CO3 है डॉट 10H2O नेक्स्ट है आपका NaHCO3 एंड नेक्स्ट है आपका Na2SO4 एंड NaCN NaCN अभी हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ Na2SO4 तक देखते हैं तो ये सारे कंपाउंड हैं जो आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करना है जैसे ये चैप्टर ये कंपाउंड कवर हो जाएंगे आपका चैप्टर कंप्लीट समझ में आया पहले हम कवर करेंगे Na2O को फिर हम Na2O2 को फिर हम NaOH को फिर NaCl को फिर हम Na2CO3 को फिर नेक्स्ट NaHCO3 को Na2SO4 को इनको कवर करना आफ्टर दैट आपका चैप्टर कंप्लीट यही होता है आपके एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में इतना ही है पहले आप नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो फिर नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बाद कंपाउंड जिस कंपाउंड के बारे में स्टडी करना उस कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है एक्सट्रैक्शन निकालने के बाद कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं समझ में आया सो नाउ द टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इसका नेम क्या है बेटा सोडियम ऑक्साइड वेरी गुड सेकंड सोडियम पेरोक्साइड थर्ड वन सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस वन सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट नाउ यहाँ पर एक और नाम होता है बेटा इसका कोई बताएगा बेटा क्या नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे वाला होता है बेटा वॉशिंग सोडा यस वॉशिंग सोडा इसका नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट इसका एक और नेम होता है क्या नेम है बेकिंग सोडा इन द लास्ट वन सोडियम सल्फेट इनमें जिसमें टिक लगा रहा हूं ना बेटा वो आपको एक एक रिएक्शन उसकी रट लेना है समझे NaOH तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओके सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं सोडियम ऑक्साइड से ओके हेडिंग रखो सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड का फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन मेथड क्या होता है बेटा कंपाउंड नंबर फर्स्ट है प्रिपरेशन मेथड को किस तरीके से हम लोग सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं अभी जो आपने प्रोसेस देखा ना फर्स्ट तो क्या बेटा लिमिटेड नंबर ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर दोगे सोडियम में तो आपका सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा आप जानते हो नहीं जानते हो सोडियम में आपका सोडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो आपका Na2O बन जाएगा ना बट ये आपका लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए इसके अलावा और भी मेथड होते हैं तो देखो फर्स्ट मेथड आपका होगा लाइक फर्स्ट वन फ्रॉम नाइट्राइड
एंड नाइट्रेट नाइट्राइट और नाइट्रेट से हमको बनाना है ओके okay? अच्छा नाइट्राइट का सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइट एनीबडी कोई भी बताओ बेटा सोडियम नाइट्रेट का बता दो वेरी गुड NaNO3 NaNO3 को अगर इसमें सोडियम के साथ फर्दर रिएक्शन करा देते हैं हम लोग तो कंपाउंड आपका बनने वाला है Na2O प्लस N2 गैस सिमिलरली जो आपका नाइट्राइट है ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है NaNO2 इसमें भी आपको सोडियम की सप्लाई करते हैं तो आपका कंपाउंड बनेगा Na2O प्लस N2 समझ में आया नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों सिमिलर रिएक्शन है कुछ भी चेंजिंग नहीं है बट यहाँ पर क्या है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है ये चीज याद रखना 3 और 2 का याद रखना है कहाँ पर 3 है ये आपका नाइट्राइट है इस कलर से लिखा ना मैंने वो नाइट्राइट है आपका और जो इस कलर से है वो आपका नाइट्रेट है ऑल ऑफ यू क्लियर नॉट अगर मैं बैलेंस करने के लिए बोलोगे आप तो मैं इसको बैलेंस करूंगा यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर भी 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर 10 आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर आपका 10 10 10 10 6 10 to 12 6 आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा बैलेंस हो गया क्या 4 आएगा आई थिंक इधर पर नाइट्राइट और नाइट्रेट से किस तरीके से बनाते हैं नाउ इसमें लिखो फ्रॉम फर्स्ट वन O2 के साथ कैसे बनाते हो सोडियम जब O2 के साथ रिएक्शन करता है यहां पर हाफ O2 कर देते हैं एग्री हो सब लोग अगर अनलिमिटेड सप्लाई होती तो यहाँ पर क्या बनता पेरोक्साइड ओके वेरी गुड नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड NaN3 में जब आपका रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaNO2 की रिएक्शन कराते हैं Na2 बनता है प्लस आपका N2 बनता है NaN3 क्या होता है बेटा बताओ द नेम ऑफ द कंपाउंड NaN3 कौन बताएगा इस कंपाउंड का नेम आई थिंक मैं बता चुका हूं आपको नहीं बताया क्या नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड सोडियम एजाइड और इसका फिगर आपको इस तरीके से बनता है Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव और N3 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है यहाँ पर देख लो N double bond N यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज समझ में आया क्लियर है सो कैन यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो जितने भी N है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो ये आपके लिए होमवर्क निकाल के लाना आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ओके सो ये हो गया आपका नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड, सेकंड है आपका रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, लाइक वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, क्या फॉर्म होता है बेटा? एनी वेच सिंपल है. नाउ टेल मी, अगर मैं इसको हीट कर दूं Na2O को सिंपली हीट कर रहा हूं मैं एट 400 डिग्री सेल्सियस, ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? Na2O2 में प्लस आपका Na बनेगा. ऑक्साइड से आप परऑक्साइड में जा रहे हो, याद रखना ऑक्साइड से आप परऑक्साइड में जा रहे हो. किस तरीके से? एट 400 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करते हैं तो इसको जा रहे हैं. नाउ यू ऑल्सो नो दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, यहाँ पर इसका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर इसका माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर इसका प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर जीरो. तो यहां पर देखो क्या हो रहा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, ऑक्सीजन माइनस टू से ऑक्सीजन माइनस वन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. इंक्रीज. और माइनस वन से जीरो में जा रहा है सोडियम, क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? स्पेलिंग देख लेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. स्पेलिंग में कहीं कुछ मिस्टेक हो तो चेंज कर लेना. ओके, आई थिंक नहीं है. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड, अगर आपको ये भी चीज आना चाहिए, सोडियम है आपका, ऑक्साइड है, जब ये रिएक्शन कर रहा है विद NH3 के साथ, NH3 क्या है आपका? अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, कंपाउंड बनेगा NaNH2 प्लस आपका NaOH, ये कंपाउंड बनता है. कब बनता है? जब यहाँ पर ऑक्सीजन होता है. अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या बनता बेटा? हाइड्रोजन बनता, और ड्राई अमोनिया के केस में. समझे? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं तो स्टार्ट करते हैं. ये आपका कंप्लीट हो चुका है. इसका अगर यूजेस लिखना है आपको तो यूज भी लिख लीजिए, वैसे ज्यादा यूजेस का कोई जरूरत नहीं होता, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये कंपाउंड. ओके, यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एंड पॉलीमराइजिंग एजेंट, इसकी तरह यूज करते हैं. नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, क्या था बेटा नेक्स्ट कंपाउंड का नेम? सोडियम, सोडियम पेरोक्साइड. पेरोक्साइड Na2O2. ओके, सोडियम पेरोक्साइड किस तरीके से फॉर्म होता है, सिंपल बताओ. Na plus excess of O2. Na plus excess of O2. ओके, एंड यहाँ पर बेटा टेम्परेचर याद रख लेना 400 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कंपाउंड हो जाएगा Na2O2. समझ में आया? क्लियर है? बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 Na लगा दिया. नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज में जो आपका सोडियम परऑक्साइड होता है ये येलो कलर का होता है,
येलो सब्सटेंसेस बट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर turns white due to formation of NaOH and Na2CO3. आपका बेटा सोडियम परऑक्साइड है. मॉइस्ट एयर मतलब क्या है, वाटर आएगा आपको और CO2 आएगा. वाटर आएगा तो आपका NaOH बनेगा और CO2 आएगा तो आपका ये बनेगा. तो इन दोनों की वजह से उसका कलर आपका येलो से आपका वाइट में चेंज होता है. येलो कलर से आपका किस में चेंज होता है बेटा, वाइट कलर में चेंज होता है. ये चीज याद रखना. किसकी वजह से, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है. क्लियर है. चलो रिएक्शन लिख लेते हैं. अगर आपको समझ नहीं आता तो रिएक्शन से बता देता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल Na2O2 है आपका, 2H2O है, रिएक्शन कर रहा है, दैट फॉर्म NaOH प्लस H2O2 ये फॉर्म हुआ. नाउ जो ये NaOH है आपका, NaOH आपका CO2 से रिएक्शन कर रहा है, दैट कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 प्लस H2O. समझ में आया रिएक्शन बेटा. नेक्स्ट रिएक्शन देखो. नेक्स्ट है आपका सोडियम परोक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है क्या कंपाउंड बनता बेटा. अभी अभी जस्ट बताया मैंने आपको, सोडियम परोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, अगर रिएक्शन नहीं होता तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका वाटर है ना वो गर्म ले सकते हैं आप लोग, हॉट वाटर लग कर सकते हैं. ओके, NaOH फॉर्म होगा प्लस साथ में आपका ऑक्सीजन बनेगा, ये बात याद रखना. क्लियर है, समझ में आया या नहीं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें एसिड की रिएक्शन क्या होती है, हमने देखा वाटर भी देख लिया आपका, NaOH भी देख लिया आपका. नाउ एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है, तो हेडिंग लिख लो आप अगर लिखना है तो, एक्शन ऑफ एसिड Na2O2 प्लस H2SO4. ये रिएक्शन ऑलरेडी लिखा चुका हूं मैं बेटा आपको. जहां पर मैंने ऑक्साइड बताया था ना मेटल ऑक्साइड, वहां पर ये रिएक्शन मैंने लिखाया होगा. जहां पर मैंने कंपाउंड लिखा था कि परोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, परोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपने लिखा होगा देन आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं लिखा होगा तो आपके पास नहीं होगा आइडिया आपको. ये लिखा बेटा रिएक्शन स्क्रीन पे दिख रहा है सबको सामने. यस सर. परोक्साइड Na2O2 का एसिड के साथ रिएक्शन लिखा. परोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर सकते हो या फिर आप ये चेक करो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं. उस तरीके से बेटा सब कुछ रिपीटेड हो जाएगा, एटलीस्ट एक एक बार तो रिपीट हो ही जाएगा, पर फिर भी आपको पढ़ना है. यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, Na2SO4 plus H2. Na2SO4 plus H2O2.
नाउ रिमेम्बर दैट ये कंडीशन तब होती है जब आपका यहां पर कोल्ड फॉर्म में रिएक्शन हो रही है। जब हॉट फॉर्म में रिएक्शन होगी यहां पर देखो, मतलब गर्म करते हैं तब Na2O2 plus H2SO4 ये आपका हो जाएगा आपका लाइक हॉट एंड यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO4 तो आपका बनना ही है कंपाउंड एंड साथ में सिर्फ चेंजिंग आता है इसमें H2O में और O2 में जिसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सर्किल मार दे रहा हूँ। याद रहेगा तीनों सर्किल। सो बेसिकली जो आपका परोक्साइड है, परोक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इतना तो आप समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन करता है। नाउ कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं जिसको ऑक्सीडाइज करता है? नाउ प्रोडक्ट के नाम लिखो यहाँ पर, क्रोमेट, क्रोमेट को ऑक्सीडाइज, सॉरी क्रोमेट को कन्वर्ट करता है क्रोमेट में। मैंगनीज को कन्वर्ट करता है आपका मैंगनेट में, और SO2 हो या आपका SO3 हो इसको कन्वर्ट करता किस में? सल्फेट में, या आपका सल्फाइड हो, सल्फाइड को कन्वर्ट करता है सल्फेट में। नाउ टेल मी व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्रोमिक, क्रोमिक के लिए केमिकल फॉर्मूला बताओ क्या होता है क्रोमिक? क्रोमिक क्या होता है बेटा? क्रोमिक एसिड बताओ। क्रोमिक क्या होता है? चलो क्रोमिक एसिड लिख लो यहां पर, आप लोगों को पता है नहीं, क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4, ये है आपका क्रोमिक एसिड। अगर मैं बोलूं यहां पर इस क्रोमिक एसिड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? पक्का देख ले? यस सर। सिक्स आ रहा। चलो फिर क्रोमेट, क्रोमेट क्या होता है? क्रोमेट 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 बता। अरे क्रोमेट आयंस बताओ भाई, मैग्नस मैग्नेट कुछ तो बताओ। मैंने पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ, कुछ सब कुछ भूल गए यार, रिडॉक्स वाला सब कुछ भूल गए। क्रोमिक एसिड बता दिया मैंने, Cr2O7। ये क्या होता है? लेट मी चेक कितने लोग बताने वाले हैं। Cr2O7 का नाम क्या होता है बेटा?
नहीं पता, चलो मैं एक बताता हूँ बाकी आप लोगों। जो क्रोमिक होता है ना बेटा, ये Cr+3 होता है। तो अभी आप रेडॉक्स वाला चैप्टर रिमाइंड करो, रेडॉक्स वाले चैप्टर में Cr+3 किस में कन्वर्ट होता था? +2 में। इतना मारेंगे, इतना मार लगाएंगे, समझ में आ जाएगा तुमको, कुछ भी बोल देता है तुम। यही पढ़े थे ना आप लोग, Cr4 डबल नेगेटिव होता था आपका, Cr+3 में जाता था हमेशा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती थी। याद आया कि नहीं आता? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अरे क्रोमिक एसिड से ही तो बना यार ये, क्रोमिक एसिड से ही तो बना है क्रोमेटाइन, समझे? अभी बताओ मैग्नस क्या होगा, मैग्नस आयन क्या होगा? Mn+2। वेरी गुड। और मैग्नेट? MnO4। पक्का मैग्नेट MnO4। MnO4 आता है पोटेशियम, वो तो MnO4 तो वो तो पर मैग्नेट हुआ ना बेटा। MnO4 आपका KMnO4 पढ़ते ना, तो वो तो पर मैग्नेट हुआ। मैग्नेट क्या होगा? इतना क्यों कंफ्यूज होता है यार, यही होता है पर मैग्नेट है मैग्नेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2 से। +7 में। SO3 तो आप जानते हो, SO2 भी आप जानते हो, और ये आपका SO4 आ जाएगा। देखो अगर आप लोग जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो ये मैग्नेट आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है आपका, जैसे हाइपो मैग्नेट होता है, पर मैग्नेट होता है, डाई मैग्नेट होता है, उन सबको मैग्नेट ही बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का, अभी के लिए आप मैग्नेट ही समझो कि मैग्नेट क्या होता है। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी क्वेश्चन क्या, हम लोग इसका नेक्स्ट रिएक्शन हो गया था आपका कहाँ, सल्फाइड होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ओके, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गेट ऑक्सीडाइज और एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है बेटा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेगा, समझा? With stronger oxidizing agent, it gets oxidized or act as a reducing agent. Point clear? जैसे हम एग्जाम पे ले लें आप, KMnO4 है आपका, KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। अभी यहाँ पर H2SO4 एसिडिक मीडियम ले लिया मैंने, एंड यहाँ पर मैंने Na2O2 ले लिया। जब इसका रिएक्शन करेंगे ये कन्वर्ट होगा आपका K2SO4 में, एंड साथ में आपका MnSO4 बनेगा प्लस Na2O बनेगा एंड आपका ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पर देख लो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है ना,
इसका रिडक्शन हो रहा है Mn का KMnO4 का यस सर ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कुछ सोचना पड़ा क्या बिल्कुल नहीं ओके एक और रिएक्शन होती है रिएक्शन आई लाइक दैट Na2O2 जो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में समझा ये रिएक्शन भी आपको याद किए रहना पॉइंट इज क्लियर नाउ इसके बाद इसके यूजेस आते हैं बेटा इस परोक्साइड के यूजेस आपके काफी सारे हैं वो आपको मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ आपको बाकी आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है नंबर वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम करेगा ही करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैब लैब में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्लियर है सेकंड आपका होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन अंडर द नेम ऑफ ऑक्सोन ये आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है देखो ना यहाँ पर ऑक्सीजन बन रहा है बेटा ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी काम करेगा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन थर्ड आपका आ जाएगा प्यूरिफाइंग एयर या प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एयर को प्यूरिफाई करने के लिए फोर्थ पॉइंट है आपका बेंजोइल परोक्साइड जानते हो बेटा प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइल परोक्साइड चलो ये आपके लिए होमवर्क है ओके ये करके लाना है आपको इसका फॉर्मूला याद करके लाना है मुझे बताना है आप ऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हो साथ साथ में फिफ्थ नंबर अगर पॉइंट बात करूं प्रिपरेशन ऑफ H2O2 प्रिपरेशन ऑफ H2O2 ये आपका होता है MERCKS मर्क प्रोसेस में यूज होता है नाउ पॉइंट नंबर सिक्स लाइक डेलिकेट फाइबर जो आपके डेलिकेट फाइबर होते हैं उनमें ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है फॉर ब्लीचिंग ऑफ डेलिकेट्स जो कपड़े होते हैं आपके या फाइबर लिख सकते हैं फाइबर होते हैं वहां पर काम करते हैं ये वहां पर किस तरीके से काम करता है वहां पर अकेला काम नहीं करता Na2O2 प्लस HCl का मिक्सचर होता है वो भी डाइल्यूट तब काम करता है तो ये आपका हो गया यूजेस बाकी यूजेस आपको खुद से पढ़ के आना है समझ में आया नाउ ये कंपाउंड यहाँ पर फिनिश हो गया नेक्स्ट कंपाउंड क्या है आपका बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ओके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो आपको पढ़ना होना चाहिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए अगर नहीं आता इसकी एवरी रिएक्शन याद नहीं होती ना बेटा तो रट लेना बस मैं बता रहा हूँ आपको डेफिनेटली आपको एटलीस्ट 10 नंबर के मार्क्स 10 मार्क्स का आपको फायदा करेगा एग्जाम में एटलीस्ट 10 का बोल रहा हूँ मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से या तो आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा इनऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो आते हैं NaOH के फॉर्म में ओके इसका प्रिपरेशन मेथड देखो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट है आपका बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो बेटा अभी NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए दो मेथड हो जाते हैं आपके नंबर वन मेथड आपका नेल्सन सेल और डायफ्राम मेथड okay.
इतना गेम कौन खेल रहा है? कौन था? मानस? सर मैं नहीं था, मुझे लग रहा तुम ही था यार। नहीं नहीं मैं नहीं था, ऐसे मत करो यार। ओके ऐसे गेम मत खेलो, नहीं तो पता है ना लाइफ आपके साथ भी गेम खेल सकती है। ओके कहाँ पर थे हम लोग? नेल्सन सेल और डायफ्राम। नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल, इसको हमको स्टडी करना है। इसमें क्या होता है बेसिकली, मैं आपको रिएक्शन बता दे रहा हूँ अभी। रिएक्शन बेसिकली NaCl होगा आपका, NaCl एक्वस लेते हैं, और एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं एक्वस NaCl को, याद रख लेना। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम लोग, Na पॉजिटिव Cl माइनस। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl, Na पॉजिटिव और Cl में बेटा। क्लियर है? नाउ यू हैव टू टेल मी कैथोड पर क्या बनेगा? Na प्लस। एनोड पर क्या बनेगा? Cl माइनस। चलो पहले एनोड पर चलते हैं हम लोग। Cl नेगेटिव आपका एक्वस होगा, Cl नेगेटिव सब Cl2 गैस बन जाएगा। तो yes, यहाँ पर ले लिया N प्लस के टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। जो आपका कैथोड पर होता है ना बेटा, कैथोड पर Na और Na आपका तो बन जाएगा, बट Na आपका डायरेक्टली नहीं बनता है। Na आपका डायरेक्टली नहीं बनता है, यहाँ पर कैथोड पर जो रिएक्शन होने वाली है, पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो कैथोड पर होगी वो ये वाली होगी। यहाँ पर जो वाटर होगा आपका, वाटर से आपका H2 गैस बनेगा, एंड यहाँ पर आपका OH नेगेटिव बनेगा। ये चीज क्लियर होती है। अगर मैं यहाँ से बैलेंस करने जाऊँ, टू यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन टू वाटर हो गया, तो टू इलेक्ट्रॉन इस तरफ, माइनस के टू इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। अभी के लिए इतना समझो, कल मैं क्या करूँगा इसका फिगर बना, अभी फिगर बताता हूँ मैं आपको, दो मिनट रुको। ओके तो जो आपका Na पॉजिटिव आया, ये Na पॉजिटिव आपके इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं। फाइनल में रिएक्शन क्या होगी आपकी? यहाँ पर देखो, फाइनल रिएक्शन Na पॉजिटिव रिएक्शन करेगा OH माइनस के साथ, एंड देन आपका NaOH बनाता है। समझ में आया? तो ये आपका फाइनल रिएक्शन होता है। चलो इसके लिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। फिगर आई थिंक मेरे पास होना चाहिए, फिगर कास्टिक सोडा मेथड। ये दिख रहा है सबको फिगर? यस सर। इसमें क्या होगा बेटा, देखो ब्राइन सॉल्यूशन आपने यहाँ से डाला, ऑल ऑफ यू लिसन, ब्राइन सॉल्यूशन हमने यहाँ से पुट किया। इसमें पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ लो। ये जो आपका बीकर है ना, ये बीकर, इसमें जो ब्लैक कलर का ये लगा हुआ ना, ये कार्बन का कैथोड, कार्बन का एनोड लगा हुआ, ये कार्बन का एनोड लगा हुआ।
और जो ये लाइन है यहाँ पर मैं रेड कलर से लाइन कर देता हूँ, ये वाली लाइन है आपकी, ये आपका क्या है? एनोड। एनोड है आपका? नहीं, कैथोड होगा सर। कैथोड होगा ना, ये नेगेटिव चार्ज है आपका। ओके, समझ में आया? अभी क्या होगा बेटा, देखो एक्चुअली में यहाँ से आपने NaCl डाला, जैसे आप NaCl डालोगे इसमें तो आपका Na पॉजिटिव में आ गया, Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव में, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव आएगा। अरे ब्राइन सॉल्यूशन है तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो आएगा नहीं, मतलब पहले से उसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, समझे ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो। अभी क्या होता है, ये जो सेल होती है ना, जो एनोड है आपका, यहाँ पर पूरा एनोड होता है, इसलिए बोलते हैं डायाफ्राम, ये पूरा लाइनिंग है स्पष्ट है, इसलिए बोलते हैं डायाफ्राम, मतलब यहाँ से एनए निकल जाएगा आपका, एनए आपका निकल जाएगा नीचे, नीचे यहाँ से एनए आपका नीचे निकल रहा होगा, और सीएल आपका इस कैथोड के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके यहाँ पर सीएल टू गैस बन के यहाँ से बाहर निकल जाती है, सीएल टू गैस निकल रही है, सीएल टू गैस। Yes. समझ में आया सबको? Cl2 गैस निकलने के बाद फिर आप ध्यान से देखो, Na के पार्टिकल्स यहाँ पर नीचे आ रहे हैं यहाँ से। Yes, sir. क्यों? ये एनोड की तरफ ही आ रहा है बेसिकली, क्योंकि सॉरी कैथोड की तरफ ही आ रहे हैं ना, बिकॉज Na पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड आपका ये लाइनिंग है, यही है ना, तो नीचे आते हैं, यहाँ से हम पास करते हैं स्टीम, जिसको मैंने वाटर लिखा था यहाँ पर, ये जो स्टीम है ना, ये वाली स्टीम, समझे, समझा कि नहीं? Yes, sir. स्टीम पास, स्टीम पास किया, स्टीम आपका H2 गैस, स्टीम आपका H2 गैस में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर निकला, देखो यहाँ से H2 गैस निकला, और OH नेगेटिव यहाँ से बचे रहा, और Na पॉजिटिव यहाँ से आ रहा होता है, तो ये दोनों रिएक्शन करके NaOH सॉल्यूशन आपका नीचे आ गया, समझ में आया सबको? Yes, sir. क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना? नाउ इस सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉइंट लिखना यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, इट इज नेसेसरी दैट क्लोरीन शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ NaOH। क्या समझे बेटा, इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन क्यों किया गया? आप यहां पर बोल सकते हो सर यहां पर इस तरीके से क्यों आता है ये H2O, बेटा डिजाइन इस तरीके से किया गया, ये क्लोरीन को हम अलग चैम्बर में निकालें और NaOH को अलग चैम्बर में बनाएं, बिकॉज क्लोरीन और NaOH हाईली रिएक्टिव केमिकल से दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, समझे बेटा, शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ NaOH ड्यूरिंग कौन है अभी भाई, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, क्यों बेटा, एज सीएल टू रिएक्ट विथ NaOH, रिएक्ट विथ NaOH इवन विथ कोल्ड टेम्परेचर, इवन इन कोल्ड कंडीशन, मतलब कोल्ड कंडीशन में भी रिएक्शन कर जाती है, ओके, तो रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाएगा, अगर सपोज पहुंच गया इस तरीके से कांटेक्ट हो गया तो Cl2 के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा आपका NaCl प्लस NaClO प्लस H2O, इस कंपाउंड का नाम है हाइपो क्लोराइड, CHLORIT, हाइपोक्लोराइड,
मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर है ना, समझ में आया? ये क्यों है बेटा, ये कोल्ड कंडीशन की रिएक्शन यहाँ पर लिखी है। अगर थोड़ी सी हॉट कंडीशन की रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हॉट कंडीशन पे आपका कंपाउंड बनेगा NaClO3, बाकी ये दोनों सेम रहते हैं, इसकी जगह चेंज हो जाता है आपके, समझ गए? ये कंपाउंड बनता है वो हॉट कंडीशन को, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया ये क्यों हुआ इस तरीके से? ना इसको करने के लिए, इस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस सपोज सीएल को हमको अलग करना है तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एनोड इज सेपरेटेड, फॉर्म कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आइदर यूजिंग पोरस डायफ्राम और बाई, ये क्या होता है बताता हूँ और बाई यूजिंग मरकरी कैथोड। पोरस डायफ्राम इस तरीके से है बेटा, यहां से सिर्फ आपका जो मॉलिक्यूल आयंस है, सिर्फ आयंस आपके पास होना चाहिए। यहां पर देखा ना, पोरस लाइनिंग ऑफ एस्बेस्टोस, ये आपकी लाइनिंग। सपोज जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट टाइप की एक लेयर होती है ना, जिससे कुछ चीजें पास कर जाए कुछ चीजें पास ना कर पाए, लाइक आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा लाइक ऑस्मोसिस वगैरह, क्या होता है ऑस्मोसिस वगैरह, ऐसा कुछ होता है उसमें किडनी में, क्या किडनी में नहीं मुझे नहीं पता इस तरीके से क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा, किडनी हाँ सर, वो प्यूरिफिकेशन के लिए, इतना बायोलॉजी नहीं आता मुझे, बट ये समझो कि पोरस का मीनिंग ये है कि यहाँ से सपोज वाटर पार्टिकल्स यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से कोई चीज़ जो उसमें पार्टिकल्स है वो नहीं निकल पा रहे हैं, वाटर वाटर भर निकल जा रहा है, लाइक एक टाइप का छन्नी समझते हो ना, छन्नी हाँ सर, कपड़ा टाइप का होता है, उस टाइप का यहाँ पर पोरस डायफ्राम है जो आपकी कुछ चीज़ों को निकलने दे रही है कुछ चीज़ों को नहीं निकलने दे रही है। वो डिपेंड करते हैं हम लोग अलग अलग मटेरियल के हिसाब से कि हमको किस तरीके से, बस नाम एक जनरल नेमिंग कर दिया उसका कि पोरस डायफ्राम यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपको Na को निकलने देना है और Cl को नहीं निकलने देना, Cl नेगेटिव को नहीं निकलने देना। वैसे भी Cl नेगेटिव किसके कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ पर एनोड के कांटेक्ट में आकर के Cl2 गैस बनाएंगे, और Cl2 गैस तो हल्की होती है तो हल्की ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी, समझ गए ना, तो Cl2 गैस ऊपर निकल जाती है, तो इसलिए यहाँ पर पोरस डायफ्राम यूज करते हैं हम लोग। जो आपका सोडियम मरकरी कैथोड है, मरकरी कैथोड के लिए मैं कल बताता हूँ कि मरकरी कैथोड क्यों यूज करते हैं आप, समझ में आया ना। मरकरी कैथोड क्या हो जाएगा बेटा, HG वाला कैथोड, HG के साथ रिएक्शन करके NaHG बना लेगा, और NaHG फिर H2O के साथ रिएक्शन करके Na बनाता है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना अभी तक बेटा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप फिर से पढ़ लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से पढ़ लेना, बाकी जो आज का लेक्चर हो रहा है, आज के लेक्चर में सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो इट इज नॉर्मली है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके भी नहीं कर सकते आप, चलेगा? सो लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, इनकेस अगर किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। ओके, बाय एवरीवन, बाय सर, बाय सर।